मेरा नाम है हरमान नाजिम के अली, मेरा पूरा नाम है ये। और मैं इस प्रोजेक्ट में अब्दुल कदीर सर के थ्रू जुड़ा हूँ, जिनको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। और इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, और बहुत अच्छा काम उनके साथ पहले भी ऑलरेडी किया हुआ है मैंने काम। तो कुछ एल्बम्स वगैरह किए हैं उनके साथ, तो उसमें उनको वॉइस अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा नाजिम अभी कुछ और भी करना है, मूवी वगैरह करनी है। मैं कहा नो प्रॉब्लम, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो बस ऐसे ही अभी दूसरा प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब पहला जो हो चुका है, जो हम लोग कर चुके हैं, एक एल्बम किया था हम लोगों ने, तो उसके बाद ये एक मूवी का मतलब उन्होंने बताया मुझे, तो आई एम सो हैप्पी। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये गाना का काफ़ी भरदार किस्म का गाना है, तो कैसा अनुभव रहा गाने के दौरान आपको? गाना मतलब बहुत एनर्जेटिक है, और मतलब गाना बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, रोमांटिक सेडिक्टिव सॉन्ग है एक्चुअली। तो गाना बहुत अच्छा लग रहा है, गाने का फील बहुत अच्छा है, पैपी नंबर है, और मतलब पब्लिक सुनेगी तो झूमेगी। इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट में आपने गाना गाया और क्या कैसा अनुभव रहा उसके दौरान आपका? सर के साथ या इससे पहले की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे कुछ सिंगल्स आए हैं, जी से आए हैं, अभी अरबाज़ खान के लिए लास्ट मूवी अरबाज़ खान के लिए गाया था मैंने, जीना इसी का नाम है करके, उसमें अंकित तिवारी ने गाया था, ऐश किंग ने गाया था, मोहित चौहान एंड काफ़ी सारे मार्केट के रेनाउंड फेमस सिंगर्स ने गाया था। तो आई गॉट टू सॉन्ग्स इन दैट मूवी, तो अच्छा रहा। और आगे कौन से प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है आगे आपके? अभी तो मोस्टली सिंगल्स आ रहे हैं मेरे, अभी लास्ट भी जो आए हैं सिंगल्स ही आए हैं, चार सिंगल्स आए हैं जी से ही, बैक टू बैक आए हैं। अभी इंशाल्लाह अभी और भी काफ़ी सारे अप्रूव हो गए हैं सॉन्ग्स। तो अभी हाँ, अभी कल एक मेरा मूवी आ रही है, जाने भी क्यों दें यारो, तो उसमें एक सॉन्ग अरिजीत ने गाया है, एक सॉन्ग पुची रैना ने गाया है, एक ममता शर्मा ने गाया है, एक मैंने गाया है। तो मूवी टी सीरीज से है, तो इंशाल्लाह लेट्स सी।